फैक्ट नंबर वन, आजकल हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है और दिन रात अपना खून पसीना बहा के इंसान अपने बैंक अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जहां कुछ लोग सालों साल काम करके भी 1 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं कर पाते, वही दुनिया में एक इंसान ऐसा भी है जिसने इस दुनिया की सबसे बड़ी लॉटरी जीत के अपने सारे सपनों को पूरा कर लिया है। पावरबॉल नामक लॉटरी इस दुनिया की सबसे बड़ी लॉटरी मानी जाती है और इस लॉटरी में मिनिमम $40 मिलियन यानी करीबन 285 करोड़ रुपए की प्राइज मनी होती है। लेकिन पावर बॉल लॉटरी के इतिहास में फ्रेंको ने एक नया रिकॉर्ड ही बना डाला। 24 साल के फ्रेंको ने जब पावर बॉल का टिकट खरीदा था तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी जिंदगी रातों रात बदलने वाली है। लेकिन जिस दिन लॉटरी का रिजल्ट आया उस दिन फ्रेंको पता चला कि वो $477 मिलियन यानी करीबन 3,400 करोड़ रुपए जीत चुके हैं। और इतना सारा पैसा जीत के फ्रेंको ने पावर बॉल लॉटरी के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बना डाला। फैक्ट नंबर टू, जब आप छोटे होंगे तो आपको 3-4 साल का होते ही आपके घर वालों ने स्कूल में डलवा दिया होगा और वहां आपने खूब दिल लगा के पढ़ाई भी की होगी। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हर साल अपने स्कूल और कॉलेज में टॉप करते आए होंगे और हर कोई आपको बेहद हार्ड वर्किंग बोलता होगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जितने हार्ड वर्किंग आप हैं उससे कई गुना ज्यादा हार्ड वर्किंग आपकी आंखें हैं। आपकी आंखें हर मिनट 15 से 20 बार झपकती हैं और सिर्फ 1 घंटे में ही वो 1200 से भी ज्यादा बार झपक लेती हैं। अगर पूरे दिन की बात करें तो एक इंसान की आंख पूरे दिन में करीबन 29,000 बार झपकती हैं। इस हिसाब से एक दिन में जितना भी आप जागते हैं उस जागने वाले समय में से 10% समय आपकी आंखें बंद ही रहती हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इंसान असली में अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से देखता है। आंखें सिर्फ एक कैमरे की तरह होती हैं और वो डेटा को कैप्चर करती हैं और उस डेटा को फिर ब्रेन को भेज देती हैं। वैसे आपकी आंखों का रंग काला है, भूरा है या नीला, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फैक्ट नंबर थ्री, आज आपको जब भी नई सिम की जरूरत पड़ती होगी तो आप फटाफट अपनी पास वाली दुकान पे जाके दुकान वाले से जियो, एयरटेल या आइडिया की सिम मांग लेते होंगे। लेकिन सिम आपके नाम पे अलॉट करने के पहले दुकान वाला आपसे आपके फिंगरप्रिंट एक मशीन पे रिकॉर्ड करवाता होगा और जैसे ही आपके फिंगरप्रिंट्स आपके आधार नंबर से मैच हो जाते होंगे वैसे ही आपको आपकी ब्रांड न्यू सिम मिल जाती होगी। आपने ऐसी फिंगरप्रिंट रीडिंग मशीनों पर कई बार अपनी उंगली रखी होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि इंसान की फिंगरप्रिंट्स कब बनना शुरू होती है? नहीं पता ना, मैं बताता हूँ। जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है और वो 26 हफ्ते का हो जाता है तो उसकी उंगलियों पे फिंगरप्रिंट्स बनना शुरू हो जाती हैं। ये बनने वाली फिंगरप्रिंट्स यूनिक होती है और ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर किसी और की उंगलियों पे नहीं हो सकता। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि NFJS और DPR नामक मेडिकल कंडीशंस के चलते इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको फिंगरप्रिंट्स होती ही नहीं और उनकी उंगलियां एकदम चिकनी होती हैं। फैक्ट नंबर फोर, द जंगल बुक और मोगली जैसी बेहतरीन फिल्मों ने आपके भी होश उड़ा दिए होंगे और उस फिल्मों में दिखाए जाने वाले घने घने जंगलों ने आपको मंत्रमुग्ध कर दिया होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? नहीं सोचा ना, मैं बताता हूँ। इस दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेजन जंगल है और ये जंगल 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि ये जंगल इतना बड़ा है कि इस जंगल ने 9 देशों को कवर कर रखा है। ये जंगल ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुला, एक्वेडर, बोलिविया, गयाना, सूरीनेम और फ्रेंच गुआना को कवर करता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा 60% ब्राजील में है। आप ये जानकर भी चौंक जाएंगे कि अमेजन जंगल में 390 बिलियन से भी ज्यादा पेड़ पौधे हैं और यहाँ 1300 बर्ड स्पीशीज, 3000 अलग अलग प्रकार की मछलियाँ, 430 प्रकार के मैमल्स और 25 लाख अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट्स रहते हैं। तो अगर आप कभी साउथ अमेरिका का चक्कर लगाएं तो दुनिया का सबसे घना और बड़ा अमेजन जंगल देखना मत भूलना। फैक्ट नंबर फाइव, आपने अपने कंप्यूटर में
कई बार अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होंगे। आपने भी बाकी लोगों की तरह गाना सुनने के लिए VLC प्लेयर डाउनलोड किया होगा, इंटरनेट सर्फ करने के लिए क्रोम ब्राउजर इंस्टॉल किया होगा और फोटो एडिट करने के लिए फोटोशॉप का इस्तेमाल किया होगा। जहाँ किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना बेहद आसान होता है, वहीं किसी सॉफ्टवेयर को बनाना बेहद मुश्किल है। और एक बड़े सॉफ्टवेयर को बनाने में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर अपनी जिंदगी के सालों साल खर्च कर देता है। लेकिन आज मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपर से जिनके कंप्यूटर में एक बार एक कीड़ा घुस गया था और इस कीड़े को आज भी हर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर याद करता है। मिलिए इनसे। यह है मिस्टर ग्रेस हॉपर और ये एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। एक बार ग्रेस हॉपर हार्वर्ड मार्क टू नामक रिले कंप्यूटर पर काम कर रहे थे, लेकिन अचानक उनकी मशीन में प्रॉब्लम्स आने लगी और जब उन्होंने इसकी जांच की तो उन्होंने एक मौत को उनकी मशीन में फंसा पाया। इस मौत नामक बग ने फिर दुनिया में पहचान बना ली और आज भी जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हुए कोड में कुछ समस्या आती है तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स उस कोड की समस्या को बग कहते हैं। फैक्ट नंबर 6। आपने जब भी लेस चिप्स का पैकेट खोलकर दो चिप्स खाने का सोचा होगा तो देखते ही देखते आपने पूरा पैकेट चबा लिया होगा और आपने फिर बोला होगा कि मैंने गलती से पूरा पैकेट खा लिया। हो सकता है आपके साथ कभी ऐसा भी हुआ हो कि आप दो रसगुल्ले खाने गए हों और वो इतने टेस्टी लगे हों कि आपने एक के बाद एक खा के डब्बे के सारे रसगुल्ले खत्म कर दिए हों और फिर भी आपने यही बोला हो कि मैंने गलती से पूरा डब्बा खा लिया है। हिंदी भाषा में जहाँ इस गलती को व्यक्त करने के लिए ढेर सारे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है और आपको बोलना पड़ता है कि मैंने गलती से पूरा डब्बा खा लिया, वहीं जॉर्जिया देश की भाषा जॉर्जियन में इसके लिए एक शब्द ही बना दिया गया है और ये शब्द है शेमो में चामा। का मतलब होता है मैंने गलती से पूरा खा लिया। जॉर्जिया देश में लोगों की अब आदत पड़ चुकी है खाने का पूरा स्टॉक खा जाने की और इसी वजह से उनकी जॉर्जियन भाषा में शेमो में चामा नामक वर्ड का निर्माण हुआ है। जॉर्जिया के लोगों ने पूरे सेंटेंस को एक ही शब्द बना डाला और मैंने गलती से पूरा खा लिया बोलने के लिए अब उनको सिर्फ शेमो में चामा ही बोलना पड़ता है। तो अगर आप भी कभी जॉर्जिया का चक्कर लगाएं तो उन लोगों के साथ इस शब्द का उपयोग जरूर करना। फैक्ट नंबर 7। आपने बचपन में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोयम तो पढ़ी ही होगी और हो सकता है कि ये पोयम आपको इतनी पसंद आई हो कि आपको जब भी समय मिलता हो तब आप इसको गुनगुनाना शुरू कर दो। लेकिन आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी बचपन की ये पोयम एक झूठ पर लिखी गई है और ये पोयम बिल्कुल भी साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है। दिल टूट गया ना। असल में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में ये बताया गया है कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं यानी झपकते हैं। वैसे आपने भी तारों को देखकर यही महसूस किया होगा कि वो रात के अंधेरे में झपकते हैं और उनकी लाइट कम ज्यादा होती रहती है। यह अद्भुत दृश्य जो आप देखते हैं वो असल में सिर्फ एक वहम है। तारे अपनी रोशनी कभी कम ज्यादा नहीं करते। हमारी धरती का जो एटमॉस्फेयर है वो तारों से आ रही लाइट को तोड़ मरोड़ देता है और इसी वजह से वो तारे हमको ट्विंकल करते नजर आते हैं। तो अगली बार अगर कोई बच्चा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोयम गाता दिखे तो उसको रोकना और साइंटिफिक फैक्ट बताकर उसका बचपन खराब होने से बचा लेना। फैक्ट नंबर 8। आपने 3 इडियट्स फिल्म तो कई बार जी सिनेमा पे जरूर देखी होगी। ये वही फिल्म है जिसने आधे इंडिया का इंजीनियरिंग करने से मन उठा दिया था। देखने में तो ये फिल्म आपको खूब मस्त दिखी होगी और इसको देखकर आप अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसे भी होंगे। लेकिन क्या आपको याद है 3 इडियट्स फिल्म का ये सीन जब बमन ईरानी ने स्पेस में लिखने वाला एक 0 ग्रेविटी का पेन बताया था और आमिर खान ने इसको देख के बोला था कि अंतरिक्ष में अगर पेन नहीं चलता था तो पेंसिल यूज कर लेनी थी, 0 ग्रेविटी का पेन बनाने की क्या जरूरत थी। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि अंतरिक्ष में लिखना इतना आसान भी नहीं है। असल में अगर पेंसिल का उपयोग अंतरिक्ष में किया जाने लगे और उसकी नोक गलती से टूट जाए तो वो नोक ग्रेविटी ना होने के कारण इधर उधर उड़ती रहेगी और स्पेसशिप की मशीनों में जाकर उनको डैमेज भी कर देगी। इसी चीज से बचने के लिए स्पेसशिप में इस्तेमाल करने के लिए 0 ग्रेविटी का पेन का निर्माण हुआ था। फैक्ट नंबर 9।
करीबन 2 लाख साल पहले इंसान ने इस पृथ्वी पर पहली बार कदम रखा था। इतने सालों के सफर में हमने कई चीजों का आविष्कार किया है, कई चीजें पता की हैं और कई गलतफहमियों को दूर भी किया है। आज जो चीजें हमको कॉमन सेंस वाली लगती हैं, वो चीजें हमेशा से इतनी ऑब्वियस नहीं हुआ करती थी और इंसानों को कई छोटी छोटी चीजों की भी कोई समझ नहीं थी। आज की तारीख में अगर आप किसी को ये कहो कि भेड़ यानी शीप पेड़ पर लगती है, तो वो पहले तो आप पर हंसेगा, फिर आपके पागल खाने का टिकट कटवाने का पूरा बंदोबस्त भी कर देगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सन 600 तक यूरोप और मध्य एशिया के लोग ये माना करते थे कि भेड़ पेड़ पर लगती है। वैसे एक बात तो सही है कि एक बार अफवाह फैला दो तो अफवाह को सच में बदलते देर नहीं लगती। ये वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। देखते रहिए फैक्ट्स होस्टिंग।